बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मिसेज नाजिया कमल और आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये शेयर किया था कि हमारा ये जो अब लेक्चर होगा इकाइनोडर्म्स का, ये इनवर्टिब्रेट का लास्ट टॉपिक है। और पहले हमने प्रोटोस्टोम पढ़ लिए थे डिटेल से, जैसे चार्ट में ये देख सकते हैं आप कि प्रोटोस्टोम में हमने फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन तीनों को हमने डिटेल से पढ़ा, इनके क्वेश्चन भी देखे। प्रोटोस्टोम हमारा ख़त्म हो गया, ड्यूटेरोस्टोम आज स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें भी लास्ट का जो है फाइलम ये इनवर्टिब्रेट से हमारा फाइलम होगा फाइलम इकाइनोडर्म। उसके बाद फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो एक लेक्चर में हो जाएगा, बहुत छोटा सा है, और फाइलम कॉर्डेटा जो है जो काफ़ी बड़ा है उसको हम काफ़ी सारे लेक्चर में, चार पांच लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और फिर इस तरह आप लोगों की डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो कि फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम है। और ड्यूटेरोस्टोम का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में कन्वर्ट हो जाए, माउथ जो है किसी और स्ट्रक्चर से निकले लेकिन ब्लास्टोपोर जो है वो जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एनस में हो जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। इनमें रेडियल क्लीवेज होगी, इनमें एंटेरोसिलोम बनेगी, आर्केंटिरोन की आउट पॉकेटिंग होगी और वहाँ से मेसोडर्म की दो लेयर जो है वो स्प्लिट कर जाएंगी और इस तरह की सिलोम को हम क्या कहेंगे, इंटेरोसिलोम। ये बातें मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं तो बस ये थोड़ा सा रिपीट करना था कि रेडियल क्लीवेज होगी, इंटेरोसिलोम होगी, ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे और उसमें तीन फाइला आएंगे, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम इकाइनोडर्म्स के जो जितने भी मेंबर हैं ये सब के सब मैरीन वाटर में आपको मिलेंगे, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे, इनका कोई मेंबर भी आपको बाकी किसी भी तरह के वाटर में, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में इनमें नहीं मिलेगा, ना ही टेरिस्ट्रियल होंगे। जितने भी हैं वो सब सी में पाए जाएंगे, डीप सी के मेंबर होंगे, ज़्यादातर बॉटम डिवेलर होंगे और स्लो जो है स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और इसके बहुत सारे हम ऑर्गन सिस्टम सिंपल देखेंगे, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि ये जो फाइलम है ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोम है, ये हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट से रिजेंबल करता है। लेकिन बाकी अपनी अडेप्टेशन में इन्होंने कुछ बॉडी के मखसूस सिस्टम रखे हुए हैं, कुछ बड़े स्पेसिफिक सिस्टम हैं जो आपको बाकियों में नहीं मिलेंगे। अगर आपसे कोई इकाइनोडर्म्स का पूछे कि इकाइनोडर्म के कुछ बेसिक या यूनिक करेक्टरिस्टिक बता दें तो 5 या 6 करेक्टर हैं जो वाइवा में भी पूछे जाते हैं, जो अमूमन क्वेश्चन उनसे निकलते हैं, वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये वाला फाइलम जो है इसको बोर नहीं आपने समझना, ये वाला आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने अटेंटिव होके बैठना है क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें हैं वो अक्सर जो है वो निगलेक्ट कर दी जाती हैं, छुड़वा दी जाती हैं, इस फाइलम को जो है वो इतना कंसीडर नहीं करवाया जाता, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं और इस फाइलम के कुछ बहुत ही यूनिक करेक्टरिस्टिक हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो वो पहले कुछ बेसिक इनके यूनिक करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हाँ जी, यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, ये जो मैंने 6 करेक्टरिस्टिक लिखे हैं इनसे भी पहला आपने ये देना है कि ऑल मेंबर आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, तो सी वाटर में ये पाए जाएंगे जैसे मैंने ऑलरेडी बोला। तो इनका सबसे बड़ा यूनिक करेक्टर है कि दे कंटेन, ऑल मेंबर कंटेन वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। ये सिस्टम जो है, एक हमने कैनाल सिस्टम पढ़ा था पोरीफिरा में, तो ये उससे कंफ्यूज नहीं करना, ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, ये इकाइनोडर्म्स में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा इसका सिस्टम। और ये ख़ास किस्म का है जो ट्यूब फीट पर, रेडियल कैनाल, रिंग कैनाल, लेटरल कैनाल, ट्यूब फीट, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये मुख्तलिफ इन चीज़ों से मिलकर बना है और प्राइमरी फंक्शन इनका फीडिंग और लोकोमोशन है, सेकेंडरी फंक्शन इनका क्या है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये एक सिस्टम इतने सारे काम कर रहा है तो इसलिए बाकी जो इनके सिस्टम है वो बहुत सिंपल होंगे। सेकेंड इनका जो करेक्टर है मेन, वो है इनका स्पाइनी एंडोस्केलेटन। इनके नाम से ही जाहिर है, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, डर्मस का मतलब, डर्म का मतलब होता है डर्मस,
तो पहली बात तो ये है कि ये वाहद इनवर्टिब्रेट है, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट हैं जो एंडोस्केलेटन रखते हैं और वो मीजोडर्म से निकल रहा है। ये कॉर्डेट की तरह, हमारी तरह, इनका जो सिस्टम है वो मीजोडर्म, बेशक वो बोन्स पर मुश्तमल नहीं है लेकिन वो सिस्टम जो है वो किससे निकल रहा है, मीजोडर्म से। एपिडर्मस भी होगी, डर्मस भी होगी, और वो किससे निकलेगी, मीजोडर्म से। बाकी जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनका स्केलेटन एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। ये वाहिद जो है ये इन्वर्टिब्रेट हैं जिनका मीजोडर्मल ओरिजिन है, और एंडोस्केलेटन जो है वो ऑसिकल का बना हुआ है। खास किस्म के स्पाइन्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं और जो डर्मस से निकल रहे हैं। फिर इनमें एक और करेक्टर है कि ये इनकी बेसिक जो है अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिंपल हैं, हमें पता है कि रेडियल सिमेट्री इज सिंपल एज कम्पेयर टू बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन इनके जो लार्वल स्टेज है उनमें बायलेटरल सिमेट्री ही है। ये इन्होंने अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अडेप्टेशन की है, क्योंकि जो बायलेटरल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव मूव करते हैं, स्विम करते हैं, इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये सी के उसमें बॉटम में पाए जाते हैं, डीप सी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा सेडेंट्री या स्लो मूवर्स हैं, तो इसलिए इन्होंने अडेप्टेशन के तौर पर अपनी लार्वल बायलेटरल सिमेट्री को किस में चेंज कर दिया, एडल्ट पेंटा रेडियल सिमेट्री में। ज़्यादातर वो पेंटा रेडियल है, यानी 5 सेंट्रल एक्सिस से इनके जो है इक्वल हाफ्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा इनका एक करैक्टर है जिसे हम बोलते हैं डर्मल ब्रैंकी। डर्मल ब्रैंकी के अलावा भी है, रेस्पिरेटरी ट्री है, जैसे जैसे बरसा है, डर्मल ब्रैंकी, रेस्पिरेटरी ट्री, बरसा, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डर्मस, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए है। तो डर्मल ब्रैंकी जो है सी स्टार में भी हमें मिलेगी, जो बरसा है वो हमें ब्रिटल स्टार में मिलेगी, और रेस्पिरेटरी जो ट्री है ये सी को कम्बर में हमें मिलेंगे। तो ये खास किस्म के ऑर्गन्स हैं, ये आपको किसी और इन्वर्टिब्रेट में नहीं मिलेंगे। और ये इनका काम क्या है, जो डर्मल ब्रैंकी है वो ऐसे लगता है जैसे स्किन के गिल्स हों, स्किन गिल्स के तौर पर काम करते हैं, रेस्पिरेशन करवाते हैं। बरसा जो है वो भी रेस्पिरेटरी है, और रेस्पिरेटरी ट्री जो है इनका वो भी क्या है, रेस्पिरेशन करवाता है। इनका एक और सिस्टम है जिसे हम हीमल सिस्टम कहेंगे, वो बिल्कुल रिजेंबल करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, लेकिन सर्कुलेटरी होगा नहीं, सर्कुलेटरी के तौर पर हम कह सकते हैं, लेकिन इसका फंक्शन अभी तक अननोन है और इसकी प्रेजेंस आपको इसी फाइलम में नजर आएगी। तो हीमल सिस्टम अगर आपसे पूछ ले तो किन मेंबर में है, तो आप कहोगे इकाइनोडर्म्स में। इसके अलावा भी खास किस्म के पिंचर लाइक स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी पे, न्यूमरस इनकी एबोरल साइड पे छोटे छोटे जो है वो फिंगर नुमा या फिंगर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे उभार से इनके बने हुए हैं इनकी बॉडी पे, जिसको हम पेडिसिलरी बोलेंगे, जो प्रोटेक्शन का काम करेंगे। पेडिसिलरी ये प्रोटेक्टिव होंगे, ये क्लीन करेंगे बॉडी को डेब्रीज से, और साथ ही इनमें पॉइजन ग्लैंड होंगे इनके अंदर जो टॉक्सिन खारिज करेंगे, और उससे अपने प्रे को और प्रीडेटर को, प्रे को पकड़ने के लिए पैरालाइज करने के लिए, और प्रीडेटर को जो है ये जो है वहाँ से भगाने के लिए, वहाँ से उनको यानी कि अलर्ट करने के लिए कि यहाँ से चले जाओ। जैसे सी अर्चन के अंदर है, सी अर्चन अक्सर जो है इसका प्रीडेटर सी स्टार है, तो ये उसको जो है वो वहाँ से यानी कि उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ये इनकी पेडिसिलरी क्या खारिज करती हैं, टॉक्सिन खारिज करती हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक थे, ये कुछ 6-7 करैक्टरिस्टिक हैं जो आपको सिर्फ इकाइनोडर्म्स में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि दे आर ड्यूटेरोस्टोम, सो दे शेयर देयर इंसेस्टर विद हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये अपने इंसेस्टर इकाइनो इनवर्टिब्रेट के साथ जो है, बाकी जैसे मोलस्क हैं, आर्थ्रोपोड हैं, उनके साथ ये अपने इंसेस्टर शेयर नहीं करते, बल्कि हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट के साथ शेयर करते हैं। लिहाजा ये उन्हीं से रिजेंबल करेंगे, हेमिकॉर्डेट से और कॉर्डेट से, और इनकी बायलेटरल सिमेट्री ही है अपने इंसेस्टर के तरह, ये अपने बायलेटरल सिमेट्रिकल इंसेस्टर से ही निकले हैं, ये रेडियल से नहीं निकले। ये और बात है कि इन्होंने अडेप्टेशन के तौर पर बायलेटरल को किसमें चेंज किया है, रेडियल में। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकी पोजीशन क्या है, तो आपने पोजीशन के हिसाब से बताना है
कि दे रिजेंबल मोर एंड मोर विद हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट बिकॉज हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट बोथ आर ड्यूटेरोस्टोम एंड इकानोडर्म आल्सो ड्यूटेरोस्टोम एंड आल्सो शो आर सिमिलर करेक्टरिस्टिक फॉर एग्जाम्पल एंडोस्केलेटन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम मिजोडम लाइक इन हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट एंड आल्सो इवॉल्व फ्रॉम बायलेटरल सिमेट्रिकल एंसेस्टर. तो ये करेक्टरिस्टिक आपने बतानी है कि इनकी हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट जैसी. बाकी इनके करेक्टरिस्टिक जो है वो वन बाई वन हम स्टडी कर लेते हैं. तो इनकी टोटल जो है वो 7,000 स्पीशी हैं, मोर देन 7,000 स्पीशी हैं. सबके सब सी वाटर में, ज़्यादातर डीप सी में मिलेंगे. कुछ सबस्टेटम के साथ अटैच होंगी, जैसे सी लिलीज हैं, ये सबस्टेटम के साथ अटैच होते हैं. स्लो मूवर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ये मूवर नहीं है, जैसे सी अर्चन वगैरह हो गए. तो ये सब के सब क्या हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में ये होते हैं. अनसेगमेंटेड हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं, ड्यूटेरोस्टोम हैं, ये ऑलरेडी बातें हमने कर ली. और रेडियल सिमेट्री यानी पेंटा रेडियल है एडल्ट में, लेकिन लार्वा में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है. जैसे इनका बाइपिनेरिया लार्वा है, ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा है, तो इन लार्वाज में क्या है, इनमें क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है. इनका हेड नहीं है, ब्रेन नहीं है, ये भी इनकी एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है. इनके बॉडी के मोस्टली काम जो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम कंट्रोल करता है, इसलिए इनको हेड और ब्रेन रखने की जरूरत नहीं है. नर्वस सिस्टम इनका बहुत सिंपल है, नर्व नेट, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स पर मुश्तमल है. तीन चीजें हैं, नर्व नेट है, नर्व रिंग्स हैं, रेडियल नर्व्स हैं, और चंद इनमें सेंसरी ऑर्गन होंगे. आर्थ्रोपोड की तरह बहुत डिवेलप सेंसरी ऑर्गन नहीं है, सिफेलोपोड की तरह भी इनके नहीं है. बहुत सिंपल इनमें कीमोरिसेप्टर होंगे, पोडिया होंगे, जैसे ये जिसको ट्यूब फीट बोलते हैं. टर्मिनल टेंटिकल इनकी बॉडी के होंगे, और इनके फोटो रिसेप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल है, कोई इनमें कंपाउंड आइस टाइप की नहीं है. स्टेटोसिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ये भी ऑर्गन बहुत सिंपल होंगे. तो आप ये कह सकते हो दे कंटेन अ सिंपल जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स. बाकी इनमें हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये वो इनवर्टिब्रेट हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन वाला एंडोस्केलेटन रखते हैं. इनका जो डर्मल इनके ऑसिकल हैं या स्पाइंस हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं. इनमें सीलिएटेड एपिडर्मस होती है, और उन एपिडर्मस के छोटे छोटे थिन फोल्ड बने होते हैं, जिनको हम स्किन वो क्या नाम देते हैं, जिनको हम पेडिसलेरी का नाम देते हैं. इनकी जो सीलिएटेड एपिडर्मस है उसके ऊपर छोटे छोटे उभार होंगे, जिनको क्या कहेंगे, पेडिसिलरी. और मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, बॉडी की जो डेब्रीज हैं, जो वेस्ट पार्टिकल हैं, उनको निकाल के बॉडी को क्लीन रखने का काम है, और साथ ही टॉक्सिन भी खारिज करते हैं प्रे और प्रीडेटर के लिए. वाटर वास्क्यूलर सिस्टम हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं. जो मैंने बार बार बताया कि इनका बहुत ही यूनिक करेक्टर है, और वो काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स होंगे, ये हम डिटेल से करते हैं कि वाटर वास्क्यूलर सिस्टम आगे हम देखेंगे कि कैसा है. लोकोमोशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ट्यूब फीट से है, या इनमें जो ऑर्गेनिज्म आर्म्स रखते हैं, बाजू रखते हैं, कोई फाइव या मोर देन फाइव, जैसे स्टार फिश है, ब्रिटल स्टार है, तो वो अपने बॉडी के जो आर्म्स हैं उनसे जो है वो लोकोमोशन करते हैं, साथ ही ट्यूब फीट के साथ ये लोकोमोशन करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, लेकिन फीडिंग के लिए इनका वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, और जस्ट उसको डाइजेशन करवाने के लिए इनमें स्टमक होगा, और स्टमक के दो पार्ट होंगे, एक को हम कार्डियक स्टमक कहेंगे, एक को हम पाइलोरिक स्टमक कहेंगे, और एनस या उसके बाद स्टमक के बाद छोटी सी इंटेस्टाइन होगी और एनस होगा. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में एनस नहीं होता, जैसे ओफियोराइड जो क्लास है, यानी ब्रिटल स्टार की जो क्लास है, उनमें एनस नहीं है. अच्छा, इनकी कोई माउथ और वो एनस वाली हम जो है साइड इस तरह नहीं कहेंगे कि एंटीरियर इज अ माउथ या पोस्टीरियर इज अ एनस, ऐसा नहीं है. इनकी एक डिस्क होती है सेंट्रल इनकी बॉडी में, उस डिस्क के जिस तरफ माउथ होगा उसे हम ओरल साइड कहेंगे, और जिस तरफ एनस होगा उसको हम एबोरल साइड कहेंगे, और उसे डिस्क से बाजू निकले होते हैं, और वहीं से यानी वो सेंट्रल जो डिस्क है उसी के सेंटर में जिस साइड पे हम कहेंगे माउथ है वो ओरल साइड है, और जिस साइड पे एनस है वो क्या है, एबोरल साइड है. और कुछ में एनस है ही नहीं, उसका फंक्शन ही कोई नहीं है, तो उन्होंने एब्सेंट कर दिया. इसके अलावा भी ये तो मैंने डाइजेशन के वो ऑर्गन आपसे डिस्कस किए हैं जो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी हैं,
लेकिन एक जैसे सी अर्चन है, उसमें खास किस्म का जो है एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। मैं आगे डायग्राम में दिखाती हूँ। एरिस्टोटल लैंटर्न जो है ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है सी अर्चन के अंदर, जो मेस्टिकेट करता है फूड को, फूड को नरम करता है, क्योंकि सी अर्चन जो है सी स्टार के बाद ये प्रीडेटर है, सबसे बड़ा जो है सी स्टार है। और सी अर्चन ने जो कि ये कार्निवोरस नेचर का है, इसने जो है बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट को खाना होता है, और उसके लिए इसने जो है उनको छोटे छोटे पीसीज में करना है और उनको मेस्टिकेट करना है, तो उसके लिए इनका कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होगा जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरिस्टोटल ऑफ लैंटर्न। ये आप देख सकते हैं, ये एरिस्टोटल ऑफ लैंटर्न सी अर्चन के अंदर है। इसमें सबसे इसके नीचे वाली साइड पे एक टफ्ट लगा हुआ है टीथ का, और इसी टीथ से जो है ये क्रश करते हैं, और उसके बाद ये इसमें पायरामिड है, पेरिस्टोमल मेम्ब्रेन है डिफरेंट टाइप्स की। तो ये पूरे का पूरा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ये फूड को तोड़ने में और उसको मेस्टिकेट करने में ये रोल प्ले करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अरिस्टोटल ऑफ लैंटर्न्स, ओनली प्रेजेंट इन अ सी अर्चन, सी डॉलर, उनमें ये पाया जाता है। और जैसे मैंने बात की थी, हाँ जी, इससे पहले मैंने रेस्पिरेशन के हवाले से बात की थी, तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ सी कोकम्बर को लिया है। इस सी कोकम्बर को अगर ये डायग्राम आपको क्लियर नजर नहीं आ रही, हिकमैन से बहुत क्लियर नजर आएगी, वहाँ आप इसकी पोस्टीरियर साइड पे बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस देखेंगे। यहाँ पे भी लाइट से येलो कलर की ये ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को रेस्पायरेटरी ट्री बोलते हैं। तो इससे ये रेस्पायरेशन करता है, रेस्पायरेटरी ट्री। तो ये जो है ये इसकी रेस्पायरेशन के तौर पर है। और ये ब्रिटल स्टार में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये जो डिस्क है इसकी, ग्रीन कलर की डिस्क है, उसके साथ लाइट से लेमन कलर के कोई हम कहते हैं 5 पेयर हैं, टोटल 10 है जिसे हम 5 पेयर का नाम देंगे। तो ये 5 पेयर क्या कहलाते हैं, बरसा कहलाते हैं, ब्रिटल स्टार में होते हैं, ऑफियूराइडी जो है इनकी क्लास, उनके मेंबर में ये पाए जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन। हाँ जी, और इसके इनके करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। और अगर ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है, तो इसके अंदर आपको यानी फेरिंग्स भी मिलेंगी। अच्छा, स्टार्ट में ये टेंटिकल्स होंगे, जो ये टेंटिकल जो है ये इनका उसमें सेंसरी होंगे, और फूड की सिलेक्शन में ये यूज़ होंगे, फूड को गैदर भी करवाएंगे। फिर उसके बाद इनकी मस्क्यूलर फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के बाद जो है ये इनका जो है स्टमक है, स्टमक के बाद इसकी इंटेस्टाइन है, और उसके बाद इसका जो है वो एनस जो है क्लोइका भी है और एनस भी है। तो क्लोइका जो है जहाँ से फीसिस और यूरिन पार्टिकल दोनों जो है वो यूरिन और फीसिस निकलते हैं, उसे हम क्लोइका बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीजें हैं, क्लोइका भी है और एनस भी है। इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक है, उसमें हमने मोलस्क का पढ़ा या हमने आर्थ्रोपोड का पढ़ा, उनमें हमने पढ़ा था कि सिलोम बहुत बहुत लिमिटेड है, रिड्यूस है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इनकी सिलोम एक्सटेंसिव है, और दो पार्ट है उसके, एक है पेरिविजरल कैविटी जिसमें बॉडी की बाकी ऑर्गन सिस्टम रखे हुए हैं, और दूसरी है कैविटी जिसमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम पड़ा हुआ है। तो दो कैविटी होंगी, पेरिविजरल कैविटी एंड कैविटी फॉर वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। और जैसे मैंने पहले बताया है कि ये ड्यूटेरोस्टोम है, इनकी इंटेरोसिलस ओरिजिन होगा, यानी आर्केंटिरोन की आउट पॉकेटिंग से सिलोम जो है वो बनेगी ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर। तो वो ये इंटेरोसिलस है, ये शिजोसिलस नहीं है। और इनका सिलोमिक फेलियर जो है वो अमीबोसाइट उसके अंदर होंगे, वो यानी कि अमीबोसाइट होंगे और इम्यूनिटी में ये यूज होंगे, ये फेगोसाइटिक भी होंगे, ये फॉरेन पार्टिकल को क्या करेंगे, इनगल्फ करेंगे। बाकी इनका ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम जो है वो रूडिमेंट्री है, उसकी जगह पर हीमल सिस्टम है, जिसको मैंने बताया था कि ये इन्हीं आपको इन्वर्टिब्रेट में मिलेगा, लेकिन इसका फंक्शन जो है अभी तक अननोन है। रेस्पिरेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डर्मल ब्रांकी या स्किन गिल्स के तौर पर, ट्यूब फीट भी रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री जो है वो भी मैंने बताया है, बरसा भी मैंने बताया है कि ऑफियूराइड में ये बरसा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एबसेंट है। ये आपसे कोई पूछे कि ये
इतने एडवांस है और उन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट क्यों किया हुआ है, क्योंकि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन कर लेते हैं। इसके अलावा सेक्सेस इनके सेपरेट हैं, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी, इसलिए इनको कॉपुलेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। और डेवलपमेंट में इनके लार्वा बनेगा, और आगे हम जो है वो लार्वा में आपको जो है डायग्राम्स उनकी दिखाऊंगी कि बाइपिनेरिया लार्वा कैसा है, या ब्रैंक्यूलेरिया कैसा है, या जो है उसमें स्टार ब्रिटल स्टार में कैसा लार्वा है। लेकिन चाहे ये जितने भी लार्वा हैं, ये सब के सब बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं, और फिर उसमें इनमें मेटामॉर्फोसिस का अमल होगा, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री आएगी, इनके आर्म्स बनेंगे, और इनमें बाकी जो है वो चेंजेस आएंगी, और फिर जाके इनका क्या बनेगा, रेडियल सिमेट्रिकल अडल्ट बनेगा। तो मेटामॉर्फोसिस भी है। और एसेक्सुअली ये किससे करते हैं, ये रीजनरेशन से, ऑटोनॉमी एंड रीजनरेशन, ये रीजनरेशन से अपने बॉडी के लॉस्ट पार्ट भी बना लेंगे। और अगर इनकी डिस्क है तो डिस्क में से हमने बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हर आर्म के साथ डिस्क लगी हुई है, डिस्क का पोर्शन लगा हुआ है, तो वो आर्म जो है अपने डिस्क के साथ नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इनके आर्म्स को बाजू को काटेंगे तो उससे जो है लॉस्ट का पार्ट तो बन जाएगा, लेकिन उससे पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए इनका डिस्क का होना लाजमी है। तो अगर हम एक सी स्टार को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर हिस्से में हम डिस्क का पीस रखते हैं, या पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर हिस्से में डिस्क का पीस रखते हैं, तो पांच नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो रीजनरेशन इनके अंदर है। बाकी इनकी एग्जाम्पल जो है, जैसे सी स्टार है, ब्रिटल स्टार है, सी लिलीज है, सी अर्चन है, सी कोकम्बर है, सी डॉलर है, तो ये सारे के सारे जो है ये इकाइनोडर्म्स ही हैं, और सारे के सारे मरीन हैं। चंद बातें हैं इसमें याद रखने वाली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आपने बताना है आपके वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या है। अभी हम ये क्वेश्चन शेयर कर लें, उसके बाद मैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की तरफ आती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये नहीं कि थोड़े क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत सारे निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कीप द बॉडी क्लीन एंड आल्सो इन सम विद टॉक्सिन टू पैरालाइज स्मॉल प्रे। हमने अभी बात की थी कि पेडिसिलेरी ये काम करती है, तो पेडिसिलेरी जो है ये है, या ये पूछ सकते हैं कि पेडिसिलेरी किन ऑर्गेनिज्म में है, या यहाँ पर जो है पेडिसिलेरी यहाँ ऊपर क्वेश्चन में होगा, उसका फंक्शन पूछ सकते हैं। इसी तरह ट्यूब फीड का पूछा जा सकता है, मेड्रीपुराइट का, या डर्मल ब्रैंकी के फंक्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर टू में डर्मल ब्रैंकी आर थिन फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल फंक्शन एस। तो इसमें ऑप्शन में ट्रांसफर स्पर्म, टॉक्सिन सेक्रीशन, गैस एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल। टॉक्सिन सेक्रीशन जो है वो पेडिसिलेरी से होती है, लेकिन डर्मल ब्रैंकी सिर्फ गैस एक्सचेंज के लिए, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पर डर्मल ब्रैंकी की जगह बरसा पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि बरसा किन में होता है। जैसे मैंने बताया था कि ऑफियूराइडी यानी ब्रिटल स्टार के मेंबर में बरसा है, तो वो पूछ सकते हैं। फिर रेस्पिरेटरी ट्री पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्री किस में है, जैसे मैंने आपको सी कोकम्बर में बताया था कि इनमें रेस्पिरेटरी ट्री है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये बड़ा मजे का है, ये अक्सर आता भी है कि विच वन इज द प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, कि कौन सा प्रे है, प्रीडेटर है और कौन सा प्रे है। तो ऑप्शन में जो पहला होगा वो प्रीडेटर होगा, जिसके साथ होगा वो प्रे है। हाँ जी, ए पे है सी स्टार और उसके साथ है सी अर्चन, बी पे है ब्रिटल स्टार और उसके साथ है सी कोकम्बर, सी है सी अर्चन एंड सी सी स्टार, सी लिली, डी पे और स्लग। अब यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में सी अर्चन जो है ये प्रे है और सी स्टार जो है वो प्रीडेटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो ठीक होगा, सी स्टार इज अ प्रीडेटर ऑफ सी अर्चन। इसका मतलब ये है कि इकानोडर्म्स के मेंबर ही अपने मेंबर को खा लेते हैं, तो सी स्टार जो है वो जो है और क्लास से है, लेकिन इकाइनोडर्म है और वो सी अर्चन उसका प्रे है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, लार्जेस्ट सी स्टार अप टू वन मीटर इज, लार्जेस्ट सी स्टार अप टू वन मीटर इज, कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। ए पे है एस्ट्रियस, बी पे है पिक्नोपोडिया, सी पे है ऑर्थास्टेरियस और डी पे है एकेंथेस्टर। ये सारे के सारे जो है ये स्टार फिश ही हैं,
लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, वो पिक्नोपोडिया है। और ये ऐसा ऐसी स्टारफिश है जिसके पास 24 से ज्यादा आर्म्स हैं, और ये अपने आर्म्स की मदद से अपने जो है उसको प्रे को ये कैप्चर करती है, उसको ग्रिप इतनी मजबूत देती है कि वहीं पर वो पैरालाइज हो जाता है, डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसको निगल लेती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ जी, उसके बाद है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये सारे काम करता है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, इसका फीडिंग एंड लोकोमोशन है। सेकेंडरी इसका क्या है, रेस्पिरेशन, और जो है इसका क्या है, एक्सक्रीशन। हमने पूरा नहीं पढ़ना ये सिस्टम, मैंने जस्ट आपको बता देना है कि इसके पार्ट क्या है। यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये एक छाननी की तरह की जो है एबोरल साइड पे, ओरल साइड पे नहीं, एबोरल साइड पे ये एक सीव लाइक जो है ये स्ट्रक्चर होती है जिसे मैड्रीपोराइट कहते हैं। वहाँ से ये वाटर फिल्टर करती है, जो इसके फूड होगी उसको ये जो है फिल्टर करके किसको भेज देगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो यहाँ पर जो पानी ये इनलेट के तौर पर काम करती है, इनलेट का मतलब है कि वाटर का अंदर की तरफ फ्लो होना, तो पानी जो है इसकी मदद से अंदर आता है। तो सबसे पहले मैड्रीपोराइट होगी, सीव लाइक प्लेट। मैड्रीपोराइट से जो है फिर वो वाटर जो है वो एक इसी की एक आएगा उसमें केनाल में, जिसको स्टोन केनाल कहेंगे, और वो स्टोन केनाल डिस्क के ऊपर जो रिंग लाइक केनाल है उसमें वो खुलेगी, जिसे रिंग केनाल ही कहेंगे। और हर रिंग केनाल पे आपको ये जो है हर आर्म के दरमियान, हर बाजू के दरमियान आपको एक पोलियन जो है वो वेसिकल मिलेगा, और दो आपको जो है टाइड मैन जो है वो बॉडीज मिलेंगी। तो ये इस किसमें लगे होंगे, रिंग केनाल के साथ ही एसोसिएटेड होंगे, पोलियन वेसिकल भी और साथ क्या है, टाइड मैन बॉडीज भी। टाइड मैन बॉडीज जो है वो क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी का काम करते हैं, वो फैगोसाइटिक जो है सिलीमोसाइट्स बनाते हैं जो कि फैगोसिटिक सेल्स हैं, और वो इम्यूनिटी में रोल उसका जो प्ले होगा। तो ये वाटर वेस्क्यूलर के साथ जो है अटैच जरूर है, लेकिन काम उनका इम्यून सिस्टम को करवाना है। और जो इसके क्या है नाम इनका, पोलियन वेसिकल, उनका काम है फेल्योर्ड को स्टोर करना और पूरे वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना। इन्हीं की वजह से प्रेशर की मेंटेनेंस होगी कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना हो कि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम फट ही जाए। तो उसकी जो प्रेशर मेंटेनेंस है वो किसने करना है, पोलियन वेसिकल ने। अच्छा, फिर रिंग केनाल से हर बाजू के अंदर एक ग्रूव बनी होगी जिसे अम्बुलेकुलर ग्रूव कहेंगे। उस ग्रूव के ऊपर जो है एक केनाल होगी, उस केनाल को हम क्या कहेंगे, रेडियल केनाल। हर बाजू में, हर आर्म में सेंटर से जो है वो कहाँ से निकलेगी, वो रिंग केनाल से क्या निकलेंगी। अगर पांच आर्म्स हैं तो पांच क्या निकलेंगी, रेडियल केनाल। और वो रेडियल केनाल जो इनके आर्म्स के एंड तक जाएंगी, और हर रेडियल केनाल से बहुत सारी लेटरल केनाल निकलेंगी, और हर लेटरल केनाल जो है वो ट्यूब फीट जो है उसके साथ जो है वो बंद हो जाएगी। ट्यूब फीट की दो चीज़ें हैं उस पर, ट्यूब फीट का जो इंटरनल पोर्शन है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे एम्प्यूला कहते हैं, और एक्सटर्नल जो पोर्शन है वो सक्कर के साथ या सक्शन कप के साथ अटैच होता है। इंटरनल पोर्शन एम्प्यूला है और एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो इसका क्या है, सक्शन कप। तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, ट्यूब फीट। एम्प्यूला के नीचे जो है वो क्या होगी, वो ट्यूब फीट होंगी, यानी जिसपे सक्शन कप होगा, और उस सक्शन कप की वजह से ही ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होंगी। और ये पानी जो है मैड्रीपोराइट से आएगा स्टोन केनाल में, स्टोन केनाल से आएगा वो रेडियल केनाल में, रिंग केनाल में, रिंग केनाल से वो आएगा रेडियल केनाल, रेडियल केनाल से वो जो है लेटरल केनाल, लेटरल केनाल से एम्प्यूला। और अच्छा, एक और बात है कि एम्प्यूला और ट्यूब फीट में यहाँ पर वॉल्व लगे होते हैं, और वो वॉल्व जो है बैक फ्लो नहीं करते, पानी को वापस लेटरल या रिंग केनाल में नहीं भेजते, बल्कि वो ट्यूब फीट में ही पानी रहता है। और इस तरह हर ट्यूब फीट जो है वो स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और वो जब फूलेंगे तो बॉडी का वेट बहुत लाइट होगा और उसकी मदद से ये लोकोमोशन करेंगी। और जब इन्होंने अपना पानी निकालना है तो फिर वो दोबारा से जो है वो यही प्रोसेस होगा, और पानी जो है वो वापस बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक्सटेंशन जो थे, ये लार्ज एक्सटेंशन जो है आपको नजर आ रही है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम की, जिसे हम ट्यूब फीट कहते हैं। तो ट्यूब फीट इज अ मेन पार्ट ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम।
बाकी सिस्टम हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ही है जो प्राइमरी फंक्शन, जिसका क्या है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या करना है, ये फीडिंग एंड लोकोमोशन, और सेकेंडरी क्या है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये लार्वल स्टेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ए पे ये है बाइपिनेरिया लार्वा, बी पे है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा। ये दोनों लार्वा जो है ये सी स्टार के जो है लाइफ साइकिल में नजर आती हैं। पहले बाइपिनेरिया बनता है, फिर उसमें से बाजू निकलते हैं ये, और फिर वो जो है ब्रैंकियोलेरिया लार्वा बन जाता है, फिर वो सेटल डाउन होता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, जुविनाइल बनता है, और जुविनाइल से अडल्ट सी स्टार बन जाएगा। तो ये दोनों लार्वा जो है बाइपिनेरिया और ब्रैंकियोलेरिया, ये आपको सी स्टार में मिलेंगी। और ये जो थर्ड वाला लार्वा है, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग खड़ा हो, ह्यूमन कोई खड़ा हो, ऑफी प्लूटियस लार्वा। तो ऑफी प्लूटियस लार्वा जो है ऑफी नॉइडी जो क्लास है यानी ब्रिटल स्टार में, उनके लाइफ साइकिल में बनता है। और इकाइनो प्लूटियस लार्वा जो है इकाइनोइडी यानी सी अर्चन की जो क्लास है उनमें बनेगा। इसी तरह आपने देख लेना है सी कोकम्बर में कौन सा बनता है और सी लिलीज के लाइफ साइकिल में कौन सा बनता है। तो ये लार्वल स्टेजेस ये सारी की सारी क्या हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इन सी स्टार इज, ए पे है फीडिंग एंड लोकोमोशन, बी पे है एक्सक्रीशन, सी पे है रेस्पिरेशन, डी पे है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर टोटल फंक्शन की बात होती तो आपने कहना था ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है, सेकेंडरी फंक्शन भी अगर पूछा जाए तो आपने एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन कहना है। प्राइमरी फंक्शन में अक्सर कहते हैं कि प्राइमरी फंक्शन इनका जस्ट फीडिंग ही है, लोकोमोशन भी सेकेंडरी है, लेकिन हिकमैन की बुक पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि फीडिंग एंड लोकोमोशन आर प्राइमरी फंक्शन। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है कि फीडिंग एंड लोकोमोशन ये प्राइमरी फंक्शन है, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन जो है सेकेंडरी है, और अगर टोटल फंक्शन की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, रेडियल कैनाल इन वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम आर ब्रांच्ड बाय न्यूमरस स्मॉल। रेडियल कैनाल से बहुत सारी न्यूमरस स्मॉल क्या निकलती हैं, रिंग कैनाल निकलती है, लेटरल कैनाल निकलती है, ट्यूब फीट निकलती है, या पेडिसिलरी निकलती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले होगी रिंग केनाल, फिर होगी रेडियल केनाल, और उनकी लेटरल साइड से बहुत सारी क्या निकलेंगी, लेटरल केनाल। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेटरल केनाल। हो सकता है कि यहाँ पर ये पूछ लें कि रिंग केनाल से क्या निकलता है, तो तब आपने क्या बताना है, रेडियल केनाल। या ये पूछ सकते हैं कि रिंग केनाल पे और क्या चीज़ें लगी होती हैं, तो वो टाइडमैन बॉडी है और पोलियन वेजिकल है, उनके काम पूछ सकते हैं। तो इस तरह ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज अ की स्टोन प्रीडेटर। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा आया है। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कीस्टोन प्रीडेटर क्या है। कीस्टोन प्रीडेटर का मतलब है कि उस खास किस्म के एनवायरनमेंट में, उसमें फूड चेन या फूड वेब में एक ऐसा प्रीडेटर जो पूरी फूड चेन और फूड वेब उसी पे डिपेंड कर रही हो, तो उस प्रीडेटर को हम क्या कहेंगे, कीस्टोन। और अगर हम उस प्रीडेटर को निकाल दें तो वहां पे कुछ नहीं बचेगा, वहां पे एक टाइम आएगा कि पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे प्रीडेटर को हम क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रीडेटर। तो ये एक साइंटिस्ट ने रिसर्च भी की थी अटलांटिक ओशन के पास, वहां पर एक खास किस्म की का एनवायरनमेंट था, और वहां पर इन्हें कुछ टीम जो थी साइंटिस्ट की, उन्हें स्टार फिश जो है वो वहां पे बड़ी ब्राइट कलर की लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कि हम यहाँ के स्टार फिश को या सी स्टार को यहाँ से ले जाते हैं। तो उन्होंने वो सी स्टार वो सारे वो ले गए। 2 साल के बाद उनका दोबारा वहां से गुजर हुआ तो देखा वहां से डाइवर्सिटी टोटली खत्म हो चुकी थी। वहां पे था क्या एक्चुअली, वहां पे प्रोसेस क्या चल रहा था, वहां पे वो एक खास किस्म का छोटा सा आइलैंड था, और उसके पास जो है ये सी में वो एक खास किस्म का एरिया था जहां पर बार्निकल्स थे, जहां पे स्नेल थे, जहां पे और छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट थे, और वहां पे सी स्टार था। था क्या, प्रोसेस के सी स्टार स्नेल को खाता था, और स्नेल इन तमाम बार्निकल्स और छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट को खाता था। और जब वो साइंटिस्ट की टीम जो है वो तमाम सी स्टार को वहां से ले गए, तो स्नेल ने तमाम उनको प्रे को जो है खाना शुरू कर दिया, और स्नेल को खाने वाला कोई ना बचा, गैस्ट्रोपोड को, वो यानी वो खास किस्म का जो गैस्ट्रोपोड था, क्लैम था या स्नेल था, तो उसको खाने वाला कोई ना बचा। रिजल्ट ये कि उसने सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो अपना प्रे बना लिया, और वहां पे डाइवर्सिटी जीरो हो गई।
तो इस तरह के प्रीडेटर जिन पे पूरी पूरी जो है वो फूड चेन या फूड वेब इन्हसार कर रही हो, डिपेंड कर रही हो, उस हम प्रीडेटर को क्या कहेंगे, की स्टोन प्रीडेटर। तो यहाँ पर की स्टोन प्रीडेटर जो है सी स्टार है, यानी वो सी अर्चन को भी खाता है, स्नेल को खाता है, स्नेल आगे बार्निकल्स को खाते हैं। तो अगर हम यहाँ से सी स्टार निकाल दें तो रिजल्ट डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ विच सिस्टम इन इकानोडर्म इज अननोन। क्या वो सर्कुलेटरी है, हीमल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या अम्बुलेकुलर ग्रूव है? तो वो कौन सा होगा? हीमल सिस्टम होगा। क्लासिफिकेशन जो है आपने डिटेल से करनी है तो आप अपनी जो है बुक से कर सकते हो। बस आप इनके क्लासेस के नेम याद करो और बस इसमें ये देखना है कि किसमें कौन सा रेस्पिरेटरी जो है वो ऑर्गन है, किसमें एनस जो है वो एब्सेंट है, किसमें जो है अरिस्टोटल लैंटर्नस है, किसकी कितनी स्पीशी है, तो ये आपको डिटेल से मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से ये नहीं करवाना, आप अपनी बुक से ये देखो, वहाँ पर आपको पूरी क्लासिफिकेशन नज़र आ जाएगी। हाँ, आपने क्लासेस और उनके मेंबर याद रखने हैं कि क्लासेस एस्टेरॉयडी है, इसमें सी स्टार आपको मिलेंगी। जितने भी स्टार फिश हैं बहुत ब्राइटली कलर्ड भी होती हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर। तो सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राइटली कलर्ड के ऑर्गेनिज्म आपको कौन सी क्लास में मिलेंगे तो आप कहेंगे एस्टेरॉयडी में। क्लास ऑफियुराइडी, ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार इसमें आती है। क्लास इकाइनोइडी में जो है वो सी अर्चन, सी डॉलर और सी बिस्किट ये आएंगे। क्लास होलोथोराइडी में सी कोकम्बर आएंगे। और क्लास क्राइनोइडी जो सबसे प्रिमिटिव क्लास है, इसमें सी लिलीज और फैदर स्टार ये ऑर्गेनिज्म आएंगे। पहले आपको इन क्लासेस के नेम आने चाहिए और फिर इनमें ऑर्गेनिज्म्स के नेम आने चाहिए। मैंने ये छोटे छोटे करेक्टरिस्टिक दिए हैं एस्ट्राइडी में 1500 स्पीशी हैं, स्टार शेप है, पेंटारेडियल है, लेकिन इनके बाजू ब्लंट होते हैं, इनके पॉइंटेड नहीं होते। ऑफियुराइटी में जो ब्रिटल स्टार हैं उनके पॉइंटेड आर्म्स होंगे लेकिन इनके ब्लंट हैं। 2 feet इनके सकर लगे हुए हैं और ये ज़्यादातर प्रीडेटरी ऑर्गेनिज्म है। पेडिसिलरी इनमें प्रेजेंट है। मैड्रीपोराइट और एनस इनका एबोरल साइड पे है, मैड्रीपोराइट एंड एनस एबोरल साइड पे है। और इनके लार्वा का फर्क है, बाइपिनेरिया और ब्रैंकिलेरिया इनमें लार्वल स्टेज आएंगी। और सबसे ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, और इसमें एग्जाम्पल है सी स्टार। जितनी भी स्टार फिश हैं, चाहे वो छोटी हैं, बड़ी हैं, प्रीडेटर हैं, वो सारी इसमें आएंगी। और इकाइनोइडी में 1000 स्पीशी हैं। इकाइनोइडी में ये ऐसे लगता है जैसे जो हेजहॉग हो, जैसे कांटू वाला माउस होता है, हेजहॉग की तरह की स्ट्रक्चर होती है। ज़्यादातर ये ग्लोबुलर होते हैं। सी बिस्किट, सी अर्चन, सी डॉलर इसमें आते हैं। ग्लोबुलर इनकी बॉडी है, डिस्क शेप है, लेकिन इनमें बाजू नहीं होते। यही बातें थी जो मैंने आपसे कहा था कि ये आपने याद रखनी है। कंप्लीट इनका स्केलेटन है और स्केलेटन बाजू का टेस्ट पर और बहुत बड़े बड़े मूवेबल स्पाइन पर मुश्तमल होता है। इन्हीं की बेस पर हम इकानोडर्म्स कहते हैं। 2 feet इनका सकर्स है इनमें होते हैं, लेकिन ये 2 feet इनकी लोकोमोशन के तौर पर यूज़ नहीं होती। पेडिसिलरी इनकी प्रेजेंट है और उसमें क्या होते हैं, पॉइजनस ग्लैंड लगे होते हैं जो पॉइजन खारिज करते हैं। एग्जाम्पल है आरबेक्सिया या लेटिकाइनस। तो यानी अगर आपने कॉमनली बताना है तो आप क्या कहेंगे, सी अर्चन, सी बिस्किट या फिर सैंड डॉलर्स। आगे मैं इनके डायग्राम दिखाऊंगी। क्लास जो है ऑफियुराइडी, क्लास ऑफियुराइडी जो है ये सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है और 2000 स्पीशीज में आती हैं। ब्रिटल स्टार और बास्केट स्टार आएगी। डाइवर्स ग्रुप ऑफ इकानोडर्म है, स्टार शेप है, 5 इनके आर्म्स हैं लेकिन शार्पली पॉइंटेड हैं। 2 feet इनमें के अंदर सकर्स नहीं है और ये भी लोकोमोशन के तौर पर नहीं है। इनके अंदर एनस नहीं होता। पेडिसिलरी एंड एनस आर एब्सेंट। अम्बुलेकुलर ग्रूव है इनमें और इनमें ये क्या है कि इनका लार्वा भी जो है वो मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा कि इनका बाइपिनेरिया या ब्रैंक्यूलेरिया लार्वा नहीं है। क्लास जो है होलोथुराइडी में 1500 स्पीशी आएंगी। होलोथुराइडी में सी कोकम्बर आते हैं, इनके अंदर भी बाजू नहीं होते। और सी कोकम्बर में मैंने जैसे बताया था कि रेस्पिरेटरी ट्री है, रेस्पिरेशन के लिए इनकी बॉडी पे स्पाइन गायब है। इनमें टेंटिकल्स होते हैं और वो टेंटिक और इनमें भी पेडिसिलरी जो है एब्सेंट है। और इनकी मैड्रीपोराइट एक्सटर्नल नहीं है बल्कि इंटरनल है। बाकियों में आपको एक्सटर्नल नजर आएगी, इनमें इंटरनल है। और सी कोकम्बर मैंने ऑलरेडी बोल दिया।
और क्लास क्राइनोइडी 630, ये सबसे ज्यादा प्रीमिटिव ग्रुप है, इसके चंद ही स्पीशी रह गई हैं, बाकी इनकी सारी जो है फॉसिलाइज्ड हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। सी लिलीज और फेदर स्टार इसमें आता है। फाइव ब्रांच्ड आर्म, इनमें बाजू पांच हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हैं, और ब्रांच्ड हो गया ऐसे लगता है जैसे फेदर बने हुए हों, क्योंकि हर ब्रांच के छोटे छोटे जो साइड की लाइनिंग है उनको पिन्यूल्स कहेंगे, तो ये फेदर की शेप देते हैं जैसे बर्ड्स के फेदर हैं। माउथ एंड एनस ऑन अ ओरल साइड, इनका माउथ भी और एनस भी दोनों ही ओरल साइड पे हैं। और बॉडी के तीन पार्ट हैं, कोरोना, केलक्स और स्टाक। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो परमानेंटली स्टाक के साथ किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सी लिलीज है तो आपको सारी जिंदगी जो है वो उसका सिर्फ लार्वा जो है वो मूव करेगा, वरना इसका एडल्ट अपने स्टाक की मदद से क्या होगा, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा रहेगा। तो कोरोना, केलक्स और स्टाक, इन तीन चीजों का होना किसके अंदर है, क्लास क्राइनोइडी। टर्डिसलेरी और मैड्रीपोराइटिन में एब्सेंट है। तो मैंने जैसे बताया सी लिलीज और फेदर स्टार वो है, जैसे डायग्राम में देख लेते हैं, ये सी स्टार है, बहुत ब्राइटली कलर में है, जोलॉजिकल लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है, एस्ट्रियसिस। तो ये सी स्टार है जो ऑरेंज कलर का है और बहुत खूबसूरत है, और इसी को इंट्रोडक्शन के तौर पर या इकानोडर्म्स का पढ़ाने के लिए इसको स्टडी करवाया जाता है। तो ये एस्ट्रॉइडी क्लास का ये मेंबर है। उसके बाद जो मैंने ऑफी यूराइडी का बोला था, उसमें ये ब्रिटल स्टार है, ये बास्केट स्टार है। तो इनकी ब्रांच्ड है, इनकी आम बाजू जो है वो पांच ही है लेकिन हर बाजू जो है बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है। तो ये आपको किसमें मिलेगा, ये ऑफी यूराइडी में। सी कोकम्बर होलोथुराइडी में, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, ये सी कोकम्बर का मेंबर है। तो ये इसमें होलोथुराइडी में, और ये इकानोइडी के मेंबर है। सी अर्चन, ये नंबर वन पे सी अर्चन है, सेकंड सैंड डॉलर है, और थर्ड पे सी बिस्किट है, ये जेंट सी बिस्किट है। तो ये जो सी अर्चन, सैंड डॉलर और सी बिस्किट, ये आपको किसमें मिलेंगे, इकानोइडी में। क्लास कौन सी, इकानोइडी। और ये जो क्लास है क्राइनोइडी, इस क्राइनोइडी में ये सी लिलीज है, ये आप देख सकते हैं, ये उसकी स्टाक है जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, ये उसकी केलेक्स है जिसपे डर्मल ऑसिकल लगे हुए हैं, और ये उसकी क्या है, बहुत सारे जो इसका फेदर नुमा है, ये इसका करोना है। तो ये करोना, केलेक्स और स्टाक। तो सी फेदर जो है वो स्टाक नहीं रखता, सी फेदर अमूमन जो है ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी जो है सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहें, ये फ्रीली मूव भी करते हैं, लेकिन फेदर स्टार और सी लिली जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ परमानेंटली अटैच होता है। हाँ जी, एमसीक्यूज देख लेते हैं लास्ट में। द इकानोडर्म दैट परमानेंटली अटैच विद सबस्ट्रेटम आर, चूंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये सी लिलीज हैं, वरना ये काफ़ी कन्फ्यूज करता कि फेदर स्टार है, सी लिलीज है, सी स्टार है, सी कोकम्बर है। तो इसमें सी स्टार और सी कोकम्बर जो है ये फ्री लिविंग है, मूव करते हैं, और फेदर स्टार कभी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, कभी उससे सेपरेट होता है, लेकिन सी लिली परमानेंटली क्या है, अटैच्ड है। इसी तरह मोस्ट प्रिमिटिव क्लास आपसे पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ सकते हैं मोस्ट डाइवर्स क्लास। अगर आपसे बहुत बड़ी क्लास या डाइवर्स क्लास पूछा जाए तो आप ऑफी यूराइडी कहोगे, यानी ब्रिटल स्टार वाली क्लास। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रिमिटिव क्लास कौन सी है, तो तब आपने क्या बताना है, वो क्राइनोइडी जो है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव क्लास है। तो किसी क्लास के मेंबर भी पूछे जा सकते हैं कि सी कोकम्बर की कौन सी क्लास है, ब्रिटल स्टार की कौन सी क्लास है, या ऑफी यूराइडी के कौन से मेंबर हैं, एस्टीरॉइडी के कौन से मेंबर हैं, तो ये पूछ सकते हैं। या किन में एनस एब्सेंट है, किन में मैड्रीपोराइट इंटरनल है, किन में एनस और मैड्रीपोराइट दोनों ही ऑरल साइड पे हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, द मोस्ट कॉमन मेंबर ऑफ होलोथुराइडी इज, तो होलोथुराइडी के जो मोस्ट कॉमन मेंबर हैं, क्या वो सी स्टार हैं, क्या वो ब्रिटल स्टार हैं, सी अर्चन है या सी कोकम्बर है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी क्लास का पूछ सकते हैं, तो सी कोकम्बर जो है वो किसमें है, होलोथुराइडी में। और एक और क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बार बार ये आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको लिया है। इज एन ऑरेंज सी स्टार ऑफ एटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रिक्वेंटली स्टडीड इन जूलॉजिकल लेबोरेटरी। अभी हमने कहा है कि ऑरेंज कलर की जो स्टार फिश है उसको जो है यूज किया जाता है किसमें, जूलॉजिकल लेबोरेटरी में, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा है और उसका पहला जो है वो यहाँ पे मैंने कोट किया है, पूरा साइंटिफिक नेम नहीं लिखा। तो वो है, ए पे है एस्ट्रियसिस, बी पे है ऑफी यूराइना, सी पे है पिक्नोपोडिया,
डी पे है एकैंथेस्टर। तो एस्ट्रियासिस जो है ये कॉमन स्टार फिश है, ऑरेंज कलर की है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। ऑफी यूराइना जो है ये ब्रिटल स्टार का मेंबर है, और पिक्नोपोडिया जो है सबसे बड़ा स्टार फिश है, सी स्टार है। कैंथेस्टर भी जो है वो आई थिंक ब्लूश कलर का है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो है ये नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा, एस्ट्रियस, तो वो जो है ये इसके अंदर आएगा ऑरेंज कलर का। हाँ जी, आपका इकानोडर्म एंड हो गया। इसमें मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट बातें आपसे शेयर की, उसको जो है उसके एमसीक्यूज के हवाले से भी किया, तो ये आपने सारी बातें याद रखनी है। इनके क्लासेस, उनके क्लासेस के मेंबर, तो ये मैड्रीपोराइट क्या है, अम्बुलेकुलर ग्रूव क्या है। अम्बुलेकुलर ग्रूव जो है वो हर बाजू के सेंटर में ये खास किस्म की ग्रूव होती है, जिसमें से क्या निकल रही हो, जिसके ऊपर से क्या निकल रही होती है, रेडियल कैनाल। तो ये अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्री क्या है, या बरसा क्या चीज़ है, या डर्मल ब्रैंकी, या स्किन गिल्स क्या चीज़ है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम क्या चीज़ है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी क्या है, हीमल सिस्टम क्या है, इनके लार्वल स्टेज कैसी हैं, इनकी जो है वो अडल्ट स्टेज कैसी है, मेटामॉर्फोसिस या रीजनरेशन किस में है, ये सारी बातें जो है ये हो चुकी हैं, अब हमने डिटेल से की हैं। और ये इंशाल्लाह आप जो है ये इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जैसे मैंने लास्ट में स्टार्ट में भी बता दिया था कि हमारा इन्वर्टिब्रेट जो है ये इस लेक्चर के बाद एंड हो जाएगा। इन्वर्टिब्रेट हमारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और वर्टिब्रेट में से कॉर्डेट हम स्टार्ट करेंगे। तो कॉर्डेट में सबसे पहले क्या करेंगे, हेमी कॉर्डेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, कॉर्डेट्स। और क्वेश्चन आपके इसी तरह चलते रहेंगे, आप हमारे साथ रहें, आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें। और अगर आप क्वेश्चन कहते हैं कि मैम आप क्वेश्चन के आंसर नहीं बताती, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो छोड़ दिया करें, तो वो जो है मैं किसी भी लेक्चर में आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर लूँगी। जैसे लास्ट में आप लोगों ने पूछा हुआ था कि कीमोफ्लैज और उसमें मिमिक्री में क्या फ़र्क है, तो वो ये नहीं है कि मैं इसके आंसर आपको बताती नहीं हूँ। तो साथ साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैंने इसको डिटेल में करवाना होता है शॉर्ट टाइम में, ताकि आप बोर भी ना हो, आपका एक घंटे से ज़्यादा लेक्चर ना हो पाए, लेकिन फिर भी हो जाता है कोशिश करने के बावजूद। तो कीमोफ्लैज जो था वो मैंने आपको बताया भी था कि कीमोफ्लैज जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ, अपने बेजान चीज़ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अगर अपने आप को मैच करते हैं, या उसमें ट्री भी आ जाता है, तो उनके साथ अपने इन्वायरमेंट के साथ अगर अपनी बॉडी को मैच रखते हैं ताकि प्रीडेटर से बच सकें, प्रे को पकड़ सकें, तो उसको हम कीमोफ्लैज कहते हैं। जैसे पैरट जो है उसने जो है वो पैरट कलर के यानी कि लीव्स में वो छुपा होता है, वो नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट हैं, वो बैठ रहे होते हैं ग्रासों पर, जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। या कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसने उसके ऊपर ज़मीन के ऊपर है या ह्यूमस के ऊपर है, तो उसने अपनी बॉडी को वैसा ही किया होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, उसे हम कीमोफ्लैज कहते हैं। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी बॉडी को मैच करवाता है, और वो किसी एनिमल के साथ मैच करवाता है और उसका मिमिक बन जाता है, उसका जैसे बहरूपियत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी उसका रूप धार लेता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी किसी एनिमल के साथ, तो तब वो मिमिक कहलाएगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्रोसेस को हम मिमिक्री कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोनार्च जो है वो बटरफ्लाई है जो डिसटेस्टफुल है, और वाइसराई वो बटरफ्लाई है जो टेस्टफुल है। वाइसराई अपने आप को किस तरह मैच कर लेगी मोनार्च जैसी, ताकि बर्ड्स को लगे कि ये टेस्टफुल नहीं है और वो उसे छोड़ दे। तो इस तरह की जो होती है किसी एनिमल का रूप धार लेना, उसे हम मिमिक्री बोलते हैं। आप अपने क्वेश्चन छोड़ दिया करें, मैं उसका आंसर जो है कोशिश करूंगी साथ साथ दूँ। अगर ना दे पाई तो मैं अगले लेक्चर में जो है वो किसी भी लेक्चर में आपके साथ वो शेयर कर लूँगी। तो वो आपने परेशान नहीं होना, बी कनेक्टेड, बी सेफ, और साथ साथ आपने जो है वो अच्छी प्रिपरेशन करते रहना है। अगर आप में से बहुत सारे टेस्ट पास कर लेंगे तो हम समझेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें रिवॉर्ड दे दिया, डॉक्टर साहब को रिवॉर्ड मिल गया, हमें रिवॉर्ड मिल गया, हमारी पूरी टीम को रिवॉर्ड मिल गया। तो कोशिश करें कि एंड तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।